हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको लेदर बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस बिज़नेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी मशीनरी इस बिज़नेस में लगेगी, कौन सा रॉ मटेरियल आपको लगेगा और उसके बाद कितना इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं लेदर बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे क्यों मैन्युफैक्चर करना चाहिए, इसकी डिमांड है। तो आप सबको पता है लेदर बैग की कितनी ज़्यादा डिमांड है, और ये जो बैग्स जो बनते हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी है, क्योंकि एक एक बैग की कीमत अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा महंगे प्राइस पे आपको ये मिलता है। और लोग, अगर आप अच्छी क्वालिटी देने को तैयार है तो लोग उस पर अच्छे पैसे देने को भी तैयार है। तो बिज़नेस बहुत ही शानदार है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आपको रिसर्च कैसे करनी। तो डिमांड, उसके बाद सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी, ये पांचों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक रिसर्च अगर आपको करनी है तो अगर इन पांच चीज़ के आंसर आपके पास है तो आप इजीली अपने बिजनेस को सेट कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आपको मतलब ये बिज़नेस सेट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्या इसकी डिमांड है और कौन सी जगह पे डिमांड है। अगर आपकी सिटी में नहीं है तो आपके बाजू वाली सिटी में, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ क्लाइंट्स ढूंढने हैं, भाई भले ही वो कहीं से भी हो। अगर आपकी सिटी में नहीं है तो आप दूसरी सिटी से भी ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डिमांड देखनी है कि कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसके बाद कैसे आपको सप्लाई करना है, प्राइस कैसे सेट करनी, क्वांटिटी और कैसी क्वालिटी आपको लोगों को देनी है। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको रिसर्च करनी है, उसके बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो यहाँ पर आपको क्लॉथ, सिल्क लाइनिंग क्लॉथ, टेंट गोट लेदर, थ्रेड्स, पॉपलाइन लाइनिंग क्लॉथ, डेकोरेटिव अडहेसिव्स, जिप, बटन्स और अदर सिंथेटिक मटेरियल्स, जो भी आपको यूज़ में आता हो या जो भी आपको ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए करना हो, उस तरह से आपको अदर सिंथेटिक मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं इस बिज़नेस के अंदर। अब आपको बताते हैं मशीनरी। तो यहाँ पर स्काइविंग मशीन, कटिंग मशीन, स्नैप बटन, हुक अटैच मशीन, डाई कटिंग मशीन, मिनी कंप्रेसर, बॉल प्रेस मशीन, बोर्ड कटिंग मशीन, जिंक ब्लॉक, मिसलेनियस इक्विपमेंट्स। तो ये सारी मशीनरी इस बिज़नेस के अंदर आपको चाहिए होगी, मतलब ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओपन कर रहे हो तो प्रॉपर मशीनरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर कैपिटल हमने बताया 8 से 20 लाख का। अगर आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल रहे हो तो आपको 8 से 12 लाख का कैपिटल चाहिए होगा, और अगर आप मीडियम स्केल खोल रहे हो तो 12 से 20 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इतने पैसे अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जहाँ पे आप अप्लाई करके लोन पास करवा सकते हो और उनसे लोन ले सकते हो, वो भी कम इंटरेस्ट पे। अब आपको बताते हैं टारगेटेड आपके कस्टमर्स कौन होंगे, होलसेलर्स, रिटेलर्स, उसके बाद जो गिफ्ट शॉप्स होते हैं वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें मिलती है, उसके बाद मॉल्स में, लोकल बैक स्टोर्स पे भी मिलती है, एग्जीबिशंस में भी आप ट्राई कर सकते हो और वहाँ पर भी आप लगा सकते हो। ऐसी सब चीज़ें एग्जीबिशन से लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद बुटीक्स और फैशन स्टोर्स, तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं जहाँ पर आप बल्क में इन लोगों को सप्लाई कर सकते हो। तो बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जो यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और ये स्ट्रेटजीज यूज़ करना इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि
आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप जिस बिजनेस में एंटर करो उसमें ऑलरेडी आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो उनके साथ स्टैंड करने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए आपको इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा जिनसे आप भी ऊपर आ सकते हो, और इन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू आपकी जो सेल्स है वो जल्दी से जल्दी इनक्रीज़ भी होगी। अब आपको बताते एरिया, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1500 से 2000 स्क्वायर फिट एरिया आपको इस बिज़नेस में चाहिए होगा, साथ में 8 से 15 लोग आपको इस बिज़नेस के अंदर एज ए लेबर, और उसके बाद सीईओ हो गया और जो भी होते लोग, वो सारे लोग आपको इस बिज़नेस में चाहिए होंगे। लेबर भी आपको चाहिए होंगे, सेल्समैन भी चाहिए होंगे, तो जो भी लोग होते हैं वो आपको इसमें चाहिए होंगे, और यहाँ पर मिनिमम 1500 से 2000 स्क्वायर फिट एरिया आपको चाहिए होगा। अब आपको बताते हैं लाइसेंस, तो यहाँ पर आपको GST रजिस्ट्रेशन, फर्म रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, करंट अकाउंट, IEC कोड अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, और ट्रेडमार्क, तो ये सारे लाइसेंस आपको इस बिज़नेस में चाहिए होंगे अपने बिज़नेस को रन करने के लिए। अब एट लास्ट बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, जो टोटली आपके प्रोडक्शन और बिज़नेस मॉडल पे डिपेंड है, जिसका रिटर्न आप इस बिज़नेस में आप 20-25% कमा सकते हो, और जैसे जैसे आपका बिज़नेस सेट होता है आप इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो इस बिज़नेस के अंदर। तो लेदर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस जो बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है, अगर आप अच्छे से सेट कर दो तो इसमें अच्छी खासी मुनाफा, प्रॉफिटेबिलिटी जो आप बोलो वो है। हम ऐसे और भी बिज़नेस लेके आएंगे आपके सामने और आपको बताएंगे कि आप इसमें भी बिज़नेस कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेगा, और कुछ भी डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।